अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। आज हम क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी अपडेट लाए हैं और मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। मोहम्मद आमिर के फैंस को एक अच्छी खबर से आगाह करते चलें कि मोहम्मद आमिर को 11 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है और मोहम्मद आमिर की नेट प्रैक्टिस को दोनों कोचों ने चेक किया, यानी बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच ने। फिर मोहम्मद आमिर को ICC T20 वर्ल्ड कप का जो सबसे बड़ा टाकरा है 24 अक्टूबर को भारत बमुकाबला पाकिस्तान, उसकी प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको मुकम्मल अपडेट से आगाह करता चलूँ उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी इस तरह की नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे और आप रहें बाखबर। हाँ तो दोस्तों, लगता यही है कि हारिस रऊफ की जगह पर मोहम्मद आमिर की सिलेक्शन पक्की कर दी जाएगी ICC T20 वर्ल्ड कप के मैचों में। जी हाँ दोस्तों, एक और अहम बात से आपको आगाह करते चलें कि कल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान है वार्म अप मैच, यानी जिसे प्रैक्टिस मैच कहते हैं, जो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा शाम को। जी हाँ दोस्तों, अब कल वाले मैच में मोहम्मद आमिर की तबाहकुन बॉलिंग का जायजा लेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट नई अच्छी वीडियो के साथ।